नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मात्र दो सामान से मिठाई। कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालकर उसे उबलने दें और लगातार चलाते रहें। कढ़ाई के किनारे में थोड़ा सा घी लगा दें तो दूध चिपकेगा नहीं और मलाई भी नहीं जमेगी। बीच बीच में लगातार चलाते रहें जिससे खोया दानेदार बने। जब दूध इस तरह से गाढ़ा हो जाए उसमें 150 ग्राम चीनी डाल दें। मीठा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद चलाते रहें। चीनी के वजह से तले चिपक जाएंगे, खोए का टेस्ट खराब हो जाएगा। से मिल जाने के बाद थोड़ा सा कटोरी में निकाल लें और इस तरह से चेक कर लें। गैस का फ्लेम बंद कर दें और दो हिस्सों में बांट लें और थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा हो जाने के बाद उसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट और केसर का दूध डालकर इस तरह से मिला लें और रोल बना के साइड में रख लें। हिस्सों को अपने पसंद का कलर डालकर या बिना कलर के भी बना सकते हैं। फिर आप इस तरह से कलर मिलाते हुए पन्नी पर सेलोफेन रैप या एल्युमिनियम फॉइल पर रखकर इस तरह से बेल लें।
दोनों को मिलाकर फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें। 2 से 3 घंटे बाद फ्रिज से निकालकर अपने हिसाब से कट कर लें। रक्षाबंधन में इस मिठाई को बनाकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। धन्यवाद।